न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पिपराइच थाना क्षेत्र में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर समेत दो को मारी गोली। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ गिरफ्तार। मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। एसएसपी ने कहा तफ्तीश जारी, जल्द होगा मामले का खुलासा। गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर बागागाड़ा बंधे के किनारे अंडरवियर और बनियान में 53 साल के एक व्यक्ति की मिली लाश, नहीं हो सकी शव की पहचान। हत्या कर शव को बंधे के किनारे फेंकने की जताई जा रही आशंका। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गौ संरक्षण संबंधित बैठक। निराश्रित पशुओं के रख रखाव और उनको शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। संभावित बरसात से होने वाले जल जमाव की स्थिति के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट ने महानगर के पंपिंग स्टेशन और नालों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल की एक अनोखी पहल। प्रवासी मजदूरों और ग्राम वासियों को मोबाइल ओपीडी के जरिए मुहैया कराई स्वास्थ्य की सुविधा, किया कोविड-19 के प्रति जागरूक। डीएम और एसएसपी ने किया घंटा घर से नखास चौक तक पैदल गश्त। अनलॉक के दौरान खोले जाने वाली दुकानों की स्थिति का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना महामारी से निपटने तथा जन समस्याओं के समाधान के लिए महापौर ने नामित पार्षदों को वितरित किया मोबाइल सिम कार्ड एवं सैनिटाइजर मशीन। कहा जनता की समस्याओं का निस्तारण करे मनोनीत पार्षद। कोरोना काल में शुरू हुआ देश का पहला चिकित्सीय सेवा का हाईटेक फार्मूला, ऑनलाइन टेली ओपीडी। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा अस्पतालों में नहीं लगेगी भीड़, घर बैठे होगा इलाज। जनपद में मंगलवार को 5 नए मिले कोरोना संक्रमित मरीज। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 145, एक्टिव केस की संख्या 84, डिस्चार्ज हुए 53, जबकि अब तक 8 की हो चुकी है मौत। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। शाहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने फरार 15,000 के इनामी बदमाश मुजम्मिल शेख को किया गिरफ्तार। गिरफ्त में आए बदमाश के पास से चोरी की एक बाइक और मोबाइल हुआ बरामद, सीओ क्राइम परवीर सिंह ने किया खुलासा। एसडीएम सदर के नेतृत्व में बेलीपार और पिपराई क्षेत्र में लगाया गया मोबाइल ओपीडी। स्वास्थ्य परीक्षण के साथ बनाए गए नए राशन कार्ड तथा किया गया राजस्व मामलों का विस्तारण। लॉकडाउन के दौरान पिछले दिनों महेवा मंडी में सब्जी विक्रेता की हुई मौत के बाद मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट ने मृतक के घर पहुंचकर परिजनों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। एसपी सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई महानगर थाना क्षेत्र के सभी हेड मुहर्रिरों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा महेवा सब्जी मंडी में दुकानों के लिए बनाए गए रोस्टर प्रणाली हुई समाप्त। अब नियमित रूप से खुलेंगी सभी दुकानें, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन न होने पर होगी कार्रवाई। और बेलीपार थाना अंतर्गत मलाव चौराहे पर भारतीय स्टेट बैंक के निकट स्थित दुकान एवं रुई की धुनाई सेंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दुकान में रखा करीब 2 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ खाक।